हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू गाइस, आप लोग जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा वैसे वैसे मैं इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करूंगा। तो दोस्तों, मैं लाया हूँ एक नया व्लॉगिंग सेटअप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद किया, इसलिए मैं ले पाया ये सेटअप। तो दोस्तों, लेट्स गो एंड सी माय व्लॉगिंग सेटअप। आई विल शो यू द अनबॉक्सिंग ऑफ दैट सेटअप। दोस्तों, ये है मेरा नया वेपन जिससे मैं आप लोगों को अच्छी वीडियो क्वालिटी कंटेंट दूंगा, वीडियो क्वालिटी दूंगा। तो गाइज, ये है कैनन M50 मार्क 2 जो 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। इसका पुराना जो कैमरा है वो 2 साल से चल रहा है मार्क 1, और ये अभी ही लॉन्च हुआ है। और मैंने इसको लिया है गुड़गांव से, DT मेगा मॉल कुमार जी स्टूडियो से। तो गाइज, इसकी देखते हैं इसमें क्या क्या है खास फीचर। तो इसमें 4K रिकॉर्डिंग है, 24 मेगापिक्सल का ये कैमरा है। इसमें ड्यूल पिक्सल कैनन AF है, AIPC है, ब्लूटूथ है जिसे मैं मोबाइल पे भी देख सकता हूँ मैं इस पर क्या शूट कर रहा हूँ। तो गाइज, इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है खास। तो ये हो गया इसका यूज़र मैनुअल जो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम यूट्यूब पर सीख लेंगे सारा कुछ। और बॉक्स के अंदर क्या है, ये इसकी एक केबल है जो ये हम देखेंगे। साथ में आया है ये एक इसका चार्जर जिसको हम देखेंगे, इससे बैटरी चार्ज होगी। एक ये स्ट्रैप है इसके साथ जिससे कि हम कैमरे को पकड़ सकते हैं, पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास एक गोरिल्ला ट्राइपॉड है जो मैंने लिया, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये इसकी बैटरी है जो है 875 mAh की इसकी बैटरी इसके साथ आई है। और ये आया है साथ में इसका किट लेंस जो है 1545 का, जिससे बहुत अच्छे वाइड एंगल शॉट्स आते हैं, ये इसके साथ ही आया है। और इस कैमरे में इसका मेन चीज क्या है वो है ये कैमरा, ये है उसकी बॉडी कैनन M50 Mark II। ये है इसकी बॉडी, और इस साथ में आया है ये मेमोरी कार्ड जो है 16 मेगापिक्सल का, इसको भी हमारे को अपग्रेड करने की जरूरत है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हो गया अपना कैमरे का सेटअप जो कैमरे के साथ आया है। अब दिखाता हूँ मैंने और क्या चीज़ें इसके साथ ली हैं। मैंने लिया है एक एक गोरिल्ला ट्राइपॉड जिसके ऊपर कैमरे को रखा जाता है। ये एक 3 किलो का ट्राइपॉड है और ये बहुत अच्छा ट्राइपॉड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये गोरिल्ला ट्राइपॉड है, ये कैमरे के लिए महंगे कैमरे में यही ट्राइपॉड यूज होता है। ये एक 3 किलो का ट्राइपॉड है, इसके ऊपर हम कैमरे को माउंट कर सकते हैं और मैं ऐसे करके व्लॉगिंग कर सकता हूँ, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करूँगा। और दोस्तों, साथ में ये कैमरे के साथ आया है ये बैग जो मेरे को नया लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा बैग है और मेरे पास इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बैग मतलब चलो देखते हैं इसको यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये बैग भी इसके साथ आया है। एक मैंने लिया है ये मेमोरी कार्ड जो मैं खोल के चेक कर चुका हूँ, ये सही है क्योंकि मैं बहुत चीज़ों में धोखा खा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको चेक करके ही लिया है। ये 128 GB का है, 750 Mbps स्पीड का मेमोरी कार्ड है, ये मैंने इसके साथ लिया है। और ये है वो मेमोरी कार्ड जो मैंने इसके साथ लिया है, सैंडिस्क का है ये मेमोरी कार्ड, और बहुत अच्छा मेमोरी कार्ड बताया था इसलिए ये लिया है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो व्लॉगिंग के लिए चाहिए वो है ये माइक, उसमें भी मैंने इन्वेस्ट किया है। ये बोया का M1 माइक है, ये चाइनीज़ माइक है, पर फिर भी फॉर अ स्टार्ट ये बहुत अच्छा माइक है, और ये मैंने लिया है। इसकी भी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये इसके यूजर मैनुअल है, साथ में एक सिलिकॉन जेल है, और ये वो माइक है, इसके ऊपर ये कैप लगी हुई है, ये वो माइक है, ये इसके ऊपर ये कैप लग जाती है, इससे हवा की साउंड नहीं आती जब मैं शूट कर रहा हूँ, और जहाँ विंड ज़्यादा तेज़ चल रही है तो हवा की साउंड नहीं आएगी, जो भी इस माइक के आगे होगा उसकी ही साउंड आएगी। ये कैमरे के ऊपर लग जाता है ये माइक,
ये इसका होल्डर है जो इसके ऊपर ऐसे करके लग जाएगा और ये कैमरे के ऊपर लग जाएगा। ये इसकी केबल है जो कैमरे के ऊपर लगेगी और ये साथ में इसका ये बैग है जिसमें इस माइक को रख सकते हैं। ये ठीक क्वालिटी का है। स्टार्टिंग में सारे अपने ब्लॉगिंग सेटअप में इसी माइक को यूज़ करते हैं जो मैंने यूट्यूब में देखा और बाद में अपना जो है रोड के माइक में अपग्रेड करते हैं, तो देखते हैं उसको। और ये इसकी मोबाइल पे अगर आप शूट कर रहे हो तो उसकी केबल है, ये वाली केबल कैमरे के लिए है, तो देखते हैं इसको। कैमरे को आपके सामने असेंबल करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या है, असेंबल कैसे होगा। ये वो कैमरा है, इसको ऐसे करके खोला, इधर रखा। ये इसका लेंस है, किट लेंस, जो इसने ये कलर से कलर मिलाया और ये इसमें जुड़ गया। ये नीचे से इसको खोला और इसमें ये बैटरी अंदर फिट हो गई है। इसमें मैं यूज़ करूँगा ये सैंडिस्क का कार्ड जो मैं साथ में ख़रीदा था और ये मैं इसके अंदर ही लगाऊँगा और ये इधर से लगेगा और ये अपना कैमरा तैयार हो गया है। ये गोरिल्ला ट्राइपॉड है जो मैंने आपको बताया था, ये इसमें ऐसे गोल करके घुमा घुमा के ये इसमें लग जाएगा। ये जो कैमरा था माइक, इसके ऊपर कैमरे के ऊपर यहाँ से लग जाएगा ऐसे। और ये इसकी केबल्स है, यहाँ पे इसका माइक का डालने का सिस्टम है। सबसे अच्छी चीज़ इस कैमरे के बारे में यही है कि इसमें ये माइक यहाँ लग जाता है। नॉर्मल कई कैमरेज ऐसे हैं जिसमें माइक नहीं लग पाता, वो मोबाइल इसके कैमरे के माइक से ही रिकॉर्ड करता है। और ये मैंने फिट कर दिया है इसमें और ये इधर फिट कर दिया है और यहाँ से ये कैमरा चालू किया। इस कैमरे में सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि इसमें मैं रिकॉर्ड करते हुए अपनी इमेज खुद ही देख सकता हूँ। जैसे मैंने रिकॉर्ड करना चालू करा तो ये इसमें ये आ गया और ये इसमें मैं अपनी इमेज खुद ही देख पाऊँगा। ये जो LCD स्क्रीन है इसमें दिख जाएगा मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये वो सेटअप है और अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ इससे रिकॉर्ड करने में और मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड करने में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ अपने एप्पल के फ़ोन से, आईफोन 11 से, और अब मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं अपने कैनन के M50 Mark II से शूट करता हूँ तो उसमें क्या वीडियो क्वालिटी में इनहेंस आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं अपने कैमरे की तरफ। वेलकम गाइज टू माई न्यू कैमरा। होप आपको कोई पिक्चर में इनहेंस दिख रहा हो, कुछ अच्छी पिक्चर क्वालिटी दिख रही हो, पीछे का वाइड एंगल ज़्यादा दिख रहा हो। तो गाइज अब मैं इस कैमरे के बारे में आपको बता दूं, ये कैमरा मैंने लिया है 54,000 का और ये जो बोया का माइक इसके साथ आया है वो है 1900 रुपये का, जो भी गोरिल्ला स्टिक है वो आई है 5,500 रुपये की। तो ये मेरा एक छोटा सा व्लॉगिंग सेटअप है जिससे मैं शुरू करूंगा और इसी कैमरे पे आपको बार बार अगली वीडियोस में मिला करूंगा। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी जरूर दबा देना। ओके गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चीज के साथ। बाय बाय।